सिर्फ एक टूर्नामेंट जो विराट का करियर खत्म करने वाला था। लोग विराट के लिए टॉक्सिक नारे लगा रहे थे। कुछ विराट कोहली फायर, विराट कोहली फायर। फाइनल में भारत को मिली है पाकिस्तान के हाथों करारी हार। 180 रन से हारा है भारत। पाकिस्तान के हाथों 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस गुस्से। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि विराट कोहली लंबी हिट ही नहीं मार सकते। यार लंबी हिटे मारने की कोशिश नहीं हो रही। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि विराट कोहली मैच से बाहर बैठे। लोग विराट के पोस्टर जलाने लगे। लेकिन ये वही विराट कोहली था जिसने हर किस्म की मुश्किल सिचुएशन में इंडिया को बचाया। वही विराट कोहली जिसने प्रेशर वाले मैचेस में भी इंडिया को बचाया। वही विराट कोहली जिसने इंडिया के लिए वन मैन आर्मी परफॉर्म किया, चाहे फिर ओडीआई हो या फिर टी20। विराट ने हर फॉर्मेट में परफॉर्म करके दिखाया। 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, 80 से ज्यादा सेंचुरियां, द किंग ऑफ क्रिकेट। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। ना नेवर गिव अप एटीट्यूड कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में स्लेच करते हैं और ये हंगर है, वो बेहतर से बेहतर होना चाहता है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि विराट के बैट से रन्स आना ही बंद हो गए एंड कैसे विराट का करियर डिस्ट्रॉय होने वाला था। दिस इज द स्टोरी ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली ने अंडर 19 ट्रॉफी जितवाने के बाद अपने करियर की ऐसी शुरुआत की के सब ने ये मान लिया कि विराट कोहली फ्यूचर स्टार बनेंगे। और फिर इसी साल विराट ने आईपीएल और इंडियन में अपना डेब्यू किया। लेकिन इनके करियर की शुरुआत के 2 साल बेकार थे। 2008 के आईपीएल में विराट कोहली ने 12 इनिंग्स में 15 की एवरेज से 105 के स्ट्राइक रेट के साथ 165 स्कोर बनाए। और 2009 में भी विराट की परफॉर्मेंस ऐसी ही थी। और फिर 2011 तक विराट को मिडल ऑर्डर या फिर लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग दी गई, जिसकी वजह से वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन फिर 2012 में विराट कोहली को टॉप ऑर्डर में चांस दिया गया, जहां इन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि सब लोग हैरान रह गए। इंडिया का पहला मैच अफगानिस्तान के साथ था और इंडिया के दोनों ओपनर्स जल्द ही आउट हो गए। और फिर विराट कोहली ने इंडिया को बहुत ही बड़े अपसेट से बचा लिया कि भारत ने अपने पहले ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 23 रन से हराया और अपने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। और ओवरऑल भी विराट ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन विराट को ज्यादा शोहरत 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में मिली। 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में 3 बार विराट कोहली ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन अभी इनकी शानदार नौकाना बाकी थी। वर्ल्ड कप 2014 का सेमीफाइनल मैच, साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया को 773 रन का टारगेट देती है और इंडिया ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में लो स्कोरिंग मैचेस ही जीते थे, जिसकी वजह से ये मैच जीतना भी बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका के फाइनल में जाने की ड्रीम में आगे विराट कोहली। उस मैच में 173 रन का टारगेट अचीव करने के लिए सभी बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन विराट ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। विराट कोहली ने इस मैच में 72 रन बनाए और फिर विराट की इस शानदार बारी की वजह से इंडियन टीम फाइनल तक पहुंची। इस टूर्नामेंट के फाइनल में जहां युवराज सिंह ने 11 और MS धोनी ने सिर्फ 4 रन बनाए थे, वहीं विराट कोहली ने 77 रन की एक शानदार बारी खेली और इस वजह से इंडिया ने श्रीलंका को 130 रन का टारगेट दिया, जो के बजाय तो एक लो टोटल ही था। लेकिन वहीं अगर विराट ये परफॉर्मेंस भी ना देते तो इंडिया शायद 100 रन भी ना बना पाती। इंडिया ये टूर्नामेंट तो हार गई, लेकिन विराट कोहली इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट जरूर बने। और फिर इस साल विराट कोहली ने 55 के एवरेज के साथ 25 इनिंग्स में 160 के स्ट्राइक रेट से 1215 स्कोर बनाई और 6 सेंचुरियां और 16 ही हाफ सेंचुरी स्कोर की। लेकिन फिर आया साल 2016 जब विराट कोहली का प्राइम ईयर स्टार्ट हुआ। 2016 के एशिया कप से लेकर टी20 वर्ल्ड कप तक विराट कोहली ने हर मैच में ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाई और दुनिया क्रिकेट में अपना नाम बनवा लिया। 2016 के एशिया कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया को सिर्फ 88 रन का ही टारगेट देती है, जिससे लग तो यही रहा था कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा। लेकिन फिर मोहम्मद आमिर की वो यादगार बॉलिंग।
मोहम्मद आमिर ने इंडियन टॉप ऑर्डर को सिर्फ डक और सुरेश रैना को सिर्फ एक स्कोर पे आउट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी मोहम्मद आमिर किसी को टिकने नहीं दे रहे थे और इसके बाद ये लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच विन कर लेगा। लेकिन फिर विराट कोहली ने 49 रन्स की इनिंग खेलकर इंडिया को ये मैच भी जितवा दिया और 2016 के T20 वर्ल्ड कप में एक दफा फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप रही और इंडिया को सिर्फ 119 रन्स का टारगेट दिया और फिर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद शमी ने इंडियन टॉप ऑर्डर को शुरू होते ही खत्म कर दिया, जिसके बाद एक दफा फिर पाकिस्तान ने मैच में कमबैक कर लिया। लेकिन एक तरफ तो टारगेट कम था और दूसरी तरफ क्रीज पर विराट कोहली खड़े थे एंड इसके बाद इंडिया ये मैच भी जीत गया। लेकिन फिर इसके बाद आया साल 2017, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया पाकिस्तान से हार गई और विराट कोहली को इंडिया पे हेट दिया जाने लगा। फाइनल में भारत को मिली है पाकिस्तान के हाथों करारी हार, 180 रन से हारा है भारत। पाकिस्तान के हाथों 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस गुस्से में हैं। विराट कोहली ने नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके हेटर्स के मुंह तो बंद कर दिए थे और फिर 2019 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई एंड इसके बाद तो जैसे विराट कोहली खेलना ही भूल गए। विराट कोहली ने अगले 3 साल 23 टेस्ट मैचेस, 31 ODI एंड 40 T20 मैचेस खेले, लेकिन इनमें किसी मैच में भी सेंचुरी स्कोर नहीं की, मानो जैसे विराट का बल्ला चलना ही बंद हो गया। विराट को पूरे इंडिया में क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि विराट क्या एक बैड पैच से ही गुजर रहे हैं। इनकी शॉर्ट सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद विराट को कुछ सीरीज में भी ड्रॉप कर दिया गया। यू हैव टू लुक फॉर करंट फॉर्म, यू कैन बी एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, बट दैट डज नॉट मीन यू विल बी गिवन चांसेस इवन इफ यू फेल 5 गेम्स इन अ रो। फॉर्मर पेसर वेंकटेश प्रसाद ट्वीटेड इन अ कोट, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर आउट ऑफ फॉर्म यू वुड बी ड्रॉप्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ रेपिटिशन। सौरभ सहवाग। और फिर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद इन्हें और भी क्रिटिसाइज किया गया एंड इसके बाद विराट कोहली ने कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया। कोहली हैज डिसाइडेड दैट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप ही इज गोइंग टू स्टेप डाउन एज इट। आई हैव हर्ड अ वेरी वाइज पर्सन टेल मी दैट व्हेन अ पर्सन इज डाउन द वीक कम आउट एंड स्पीक अबाउट हिम, इट टेक्स करेज टू स्पीक अबाउट समवन व्हेन दे आर ऑन टॉप। सो इट वाजंट जस्ट अबाउट द वर्कलोड ऑफ क्रिकेट, देयर वर मेनी अदर फैक्टर्स ऑन द आउटसाइड एज़ वेल व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू यू नो मी गोइंग इनटू दैट स्पेस। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडियन टीम टेस्ट में टॉप पर आई थी और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के स्टैट्स भी सबसे बेहतर थे एंड विराट कोहली के अकॉर्डिंग वो अपनी बैटिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहते थे एंड इसी वजह से इन्होंने टेस्ट कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया। We have some breaking news coming in. Barely a day after a 2-1 series defeat to South Africa, Virat Kohli has stepped down as India's test captain. जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। लेकिन 2022 के एशिया कप में पूरे 3 साल बाद इंडियन फैंस का ये इंतजार भी खत्म हो गया। विराट कोहली ने इस मैच में कमबैक किया और एक शानदार सेंचुरी स्कोर की और एक बार फिर विराट का एरा स्टार्ट हो गया और फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से जीता हुआ मैच भी छीन लिया। इसके बाद भी विराट कोहली ने बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स खेली और 2023 के ODI वर्ल्ड कप के वो टॉप स्कोरर भी रहे एंड फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन फाइनल में जब इंडियन टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, विराट कोहली ने 76 रन्स की एक शानदार नॉक खेली और साउथ अफ्रीका को 177 रन्स का टारगेट दिया और फिर बुमराह की जबरदस्त बॉलिंग और सूर्या कुमार का एक बेस्ट कैच की वजह से इंडियन टीम ये वर्ल्ड कप जीत गई। लेकिन विराट कोहली ने इसी वर्ल्ड कप को जीतने के बाद अपनी T20 से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। Well, this was my last T20 World Cup. विराट की इस जर्नी से हमें क्या सबक मिल रहा है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर देना। वीडियो देखने का शुक्रिया।